नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षावार्ता.in। हम अभी उपस्थित है डेलांग ब्लॉक के रेंगड़ पंचायत में और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवा शिविर त्रयंबकम हेल्थ केयर की तरफ से मुफ्त में दी जा रही है। और यहाँ पर आज का जो मोटिवेशनल मैसेज है वो है स्वास्थ्य ही संपद है। स्वास्थ्य को जो नहीं देखेगा वो आगे नहीं चल सकता है। सरकार का भी यही कहना है, पहले हमारा स्वास्थ्य को देखिए, उसके बाद जो भी कीजिए। तो आइए आज हम जुड़ते हैं, यहाँ पर जो शिविर हो रहा है मुफ्त में लोगों को सेवा दी जा रही है उसके बारे में जानते हैं, क्या क्या आज का प्रोग्राम है और क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आइए मिलते हैं संग्राम सर से, उनसे जानते हैं क्या क्या आज का एम एंड ऑब्जेक्टिव है। सर नमस्कार, आपको स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संग्राम केसरी बेहरा, कार्डियक सर्जन, सोम हॉस्पिटल भुवनेश्वर। और आज का जो ये स्वास्थ्य सेवा शिविर हो रहा है इसका एम क्या है? इसका एम है कि जितने भी हमारे यहाँ के पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम लोग मुफ्त में सेवा दे सकें। क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, कभी आ नहीं पाता हूँ, बहुत दिनों बाद यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारे लोग भी आए हैं, जो भी दूर के लोग हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं भुवनेश्वर को, हम उनको आके फ्री में ये सेवा मतलब दे पा रहे हैं, इसके लिए हमको भी बहुत खुशी है। तो आपने सुना, लोगों के लिए जिनका दिल धड़कता है उनका नाम संग्राम जी कहे तो कोई भी नाम को भी नामुमकिन नहीं है। तो संग्राम जी का कहना है, आज का जो स्वास्थ्य सेवा शिविर है इसमें हम कैसे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा पैसे को डर के मतलब मेडिकल नहीं जाते हैं और अपना तबीयत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, हम उनको सेवा देंगे और भगवान हमको देखेगा। तो आइए अभी हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ का रेंगड़ पंचायत का सरपंच मैडम, तो उनसे पूछते हैं। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सागरिका बटचना है। मैं इसके लिए त्रयंबकम हेल्थ केयर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये हेल्थ केयर सेंटर मेरे मुफ्त में मेरे पंचायत के लोग को ट्रीटमेंट कर रहा है, इसलिए उनको असीस धन्यवाद। तो मैडम जी ने त्रयंबकम हेल्थ केयर जो आज का मुफ्त सेवा शिविर आयोजित कर रहे हैं उनको धन्यवाद अर्पित किया है और आगे भी ऐसे करते रहे उनको उत्साहित किया है। आइए अभी हम मिलते हैं आज का जो मुख्य आकर्षण है और आज का जो आयोजक है उनसे, और जिनको त्रयंबकम हेल्थ केयर के जो सीएम है उनसे पूछते हैं, ये जो स्वास्थ्य सेवा शिविर मुफ्त में कर रहे हैं, लोगों को जनता को मुफ्त में सेवा दे रहे हैं, उनका आगे का लक्ष्य क्या रहेगा और इससे पहले ये कहाँ कहाँ कर चुके हैं और क्या इनका एक्सपीरियंस है लोगों को लेकर? तो नमस्ते, आपको स्वागत करते हैं। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम देवाशीष गुमान सिंह है, मैं त्रयंबकम हेल्थ केयर का ओनर हूँ। और आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो स्वास्थ्य सेवा शिविर आप मुफ्त में कर रहे हैं इसको कहाँ कहाँ पर पहले से कर चुके हैं? हम पहले से चार जगह कर चुके हैं, जो नयागढ़ है और वहीं पास ही जस्ट भुवनेश्वर में जो है कुछ पार्क वगैरह सब कुछ हम कर चुके हैं वहाँ पे। और आज का जो मुफ्त सेवा शिविर में कितने लोगों को सुविधाएं दी जाने की व्यवस्था? 300 लोगों को देने के लिए सुविधा है, जस्ट मेडिसिन है, फ्री मेडिसिन है, फ्री चेक मतलब ब्लड टेस्ट है और डॉक्टर लोग को देखेंगे। अगर यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ा रोग निकलता है तो कहाँ पर लोगों को जाने के प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे, हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल लाएंगे तो वहाँ पे हम सीआरपी स्क्वायर पे है जो भुवनेश्वर में। तो आपने सुना उनसे, आज दिन भर में मतलब 300 लोगों को सुविधाएं दी जाने की व्यवस्था की जा चुकी है, 300 लोगों की ट्रीटमेंट मुफ्त में होगी और उन्होंने जो बोला दवाई भी उनको दी जाएगी। और अगर किसी भी जनता की स्वास्थ्य में अधिकतर कुछ रोग है, व्याधि है, तो उनको वो अपने जो भुवनेश्वर में हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको रेफर करेंगे और वो बाद में जाकर वहाँ से फ्री हेल्थ सर्विस ले सकते हैं। आइए हमारे साथ अभी जुड़े हैं और एक मेहमान, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश चंद्र कलेर, मैं भुवनेश्वर से आया हूँ। त्रयंबकम हॉस्पिटल की तरफ से हमारे जो शहर में तो बहुत हेल्थ फैसिलिटीज़ रहते हैं लोगों के लिए, लेकिन गांव में क्या होता है, गांव के जो लोग होते हैं वो उतना अवेयरनेस और इतना हेल्थ फैसिलिटी नहीं पाते हैं। तो हमारा जो मिशन है वो गांव के लोगों को अवेयरनेस करना है, उनको हेल्थ के बारे में समझाना है, उन्हें हेल्थ के जो हमारे तरफ से जो हो सके हमें उनसे तबीयत को बेहतर करने के। हाँ,
तो आप यहाँ पर जो आज कितने सारे डॉक्टर आए हुए हैं आपके डिपार्टमेंट के तरफ से? हमारे हॉस्पिटल से अभी तो 6 डॉक्टर आए हैं। कौन कौन डिपार्टमेंट से? मेडिसिन से आए हैं, सर्जरी, डायबिटीज, हमारे कार्डियोलॉजी, ये 4 विभाग से हम आए हैं। और अभी का आज ये प्रोग्राम सिर्फ गांव के लोगों के लिए है। थैंक यू। तो आपको एक बात बोलना चाहेंगे, जो मूव में शिविर में आके आपको कैसा लगता है, मतलब गांव में आके लोगों के तबीयत को सही करना, उनके लिए कुछ करना, समाज सेवा कैसा लगता है? समाज सेवा क्या है कि हम इसको हम किसी भाषा में परिव्यक्त नहीं कर सकते, ये दिल के सुकून का हिस्सा है। तो सोशल वर्क जो है, खुद के शांति के लिए, युवा समाज के लिए, हमारा युवा समाज जो आगे हैं वो देख के किसी भी हेल्प में आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये हमारा मिशन है। तो आपने सुना डॉक्टर साहब के मुंह से, ये मुफ्त में सेवा देकर लोगों को अपने मन को जो खुशी मिलती है वो शायद धन में नहीं है, ये उनका कहने का मतलब है। और हमारे भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा, तो उसको ये मतलब आपने दिल से कर रहे हैं और ये बहुत खुश हैं। तो आइए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं जटनी प्रेस क्लब के सर, और उनसे जानते हैं। सर, आपका परिचय? नमस्ते, हेमंत कुमार सुंदर है, प्रेस क्लब एडवाइज़र जटनी। तो क्या बोलेंगे आप, तो एक समाज सेवक है, सांबादिक है, तो इसके बारे में क्या? मैं तो सांबादिक नहीं हूँ, एडवाइज़र जटनी। तो जो सेवा है, जो त्र्यंबकम हॉस्पिटल का जो आपका चेयरमैन और जो डॉक्टर सर आए हैं, आप भी आए हैं, पहले मैं भारत जो आपका जो ये शिक्षा भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो चेयरमैन है, जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सांबादिक को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप आके वो ये जो आप कवरेज कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहे हैं और हमको इंस्पायर हमको हो रहे हैं। तो वो सेवा देने के लिए जो अभी माँ और बहन जो आए हैं और फ्री हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन भी ले रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए तो ये सेवा जारी रहेगा और मैं चेयरमैन सर को रिक्वेस्ट किए हैं, और आज नहीं और वीकली 2 डेज मिनिमम, हाँ, स्टाफ बेच के और डॉक्टर बेच के वो सब हेल्थ चेकअप करने से बहुत मैंने अच्छा रहेगा और सबको सेवा देते रहेंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे जटनी प्रेस क्लब के एडवाइजर सर से, वो एक समाज सेवी होने के नाते उनका ये कहना है समाज में स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देने से हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश के स्वास्थ्यवान रहेंगे। तो आइए, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा, यहाँ पर जो लोग अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपना आगे मुफ्त सेवा दे रहे हैं, उनसे मिलते हैं और वो जानते हैं सब। और यहाँ पर जो डॉक्टर जी अभी आए हुए हैं उनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कैसे चेकअप कर रहे हैं। तो कैमरामैन सर अपना परिचय देंगे। रुपेश कुमार सतपथी। आप किस डिपार्टमेंट से? पैथोलॉजी से, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो आप इससे पहले और कहीं पर गए हैं ये मुफ्त सेवा में? जी ऐसा, हाँ, हम बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ पर मुफ्त में लोगों को सेवा देकर। बहुत अच्छा सर, एक्चुअली सर्व टू पीपल जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे मालूम चलता है कि एक्चुअल में हम इस प्रोफेशन में लोगों के सर्विस के लिए ही हैं बोल के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग मतलब आपको ठीक तरह सही तरह से अपने रोग के बारे में बता नहीं पाते हैं और बाद में आपको कहते हैं कि सर आपने गलत मेडिसिन दे दिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं सर, आज तक नहीं हुआ मेरे साथ ये। तो मतलब लोगों का जो कहने का जो स्टाइल है आप उसको समझ जाते हैं और सारा रोग लोग आपको समझाने में सफल रहते हैं? जी हाँ सर, आप टोटली उनके साथ बातचीत करके उनके मन में जो है उसको अगर बाहर निकालते हैं, तो उनको डायग्नोसिस करते हैं ठीक से, तो मालूम चल जाता है कि एक्चुअल में कौन से परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम उनको हो रहा है। तो आपने देखा, इनका कहना है इनके डॉक्टरी लाइफ में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जनता जनार्दन आपने रोग के बारे में बताए और ये ना समझ पाए, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो चलते हैं, कैमरा पर्सन को बोलूँगा, वहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा। काटी दे
तो अभी आइए, हम हमारे पास अभी मौजूद है और एक डॉक्टर साहिबा जो यहाँ पर आए हैं भुवनेश्वर से लोगों को फ्री चेकअप देने के लिए। उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है और लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं गांव के लोगों के साथ उनको कैसा लगता है, क्योंकि ये तो शहर में रहती हैं, गांव में आज आए हैं। गांव के लोग उनको अपना जो तबीयत का प्रॉब्लम है वो समझाने में सही रहते हैं या नहीं। तो मैडम नमस्कार, आपको स्वागत करते हैं। नमस्कार, अपना परिचय थोड़ा रखेंगे। माई सेल्फ संगमित्र राउत फ्रॉम भुवनेश्वर। कौन से डिपार्टमेंट से? नर्सिंग डिपार्टमेंट से। तो आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवा शिविर में आप आए हैं, इससे पहले और कहीं पर अटेंड किया है? हाँ, यहाँ पहले मैं 2-3 बार अटेंड किया था। 2-3 बार अटेंड कर चुके हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई गांव से मौसी जी आए और आपको बोले कि ये मेरा बेटी जैसा लगता है? हाँ, ये तो बोलती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। वो थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को, ऐसा कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर भुवनेश्वर में एक गाँव में हुआ था, जो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उस पे। लेकिन जो चरा लुक मैंने पेशेंट जो आते हैं ना, तो उसका ब्लेसिंग भी मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य सेवा है गांव पे नहीं पहुँच पाते, उसे हमें सब लोग चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है कि हमारा हॉस्पिटल उसके पास जाकर उसके स्वास्थ्य सेवा पहुँचे। ठीक है, तो आपने देखा मैडम जी ने बोला कि कभी कभी फील्ड में ऐसा भी होता है, गांव के जो मौसी जी है जो भी मतलब बड़ा लोग आते हैं इनको अपना बेटी मानकर इनसे चेकअप करवाते हैं और मेडिसिन लेते हैं और सही भी हो जाते हैं। तो सही में कहना है, मेरा कहना ये है, मेरा तो नहीं, ये बहुत पुरातन युग से चले आता है कि जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप होता है और भगवान जैसे आदमी को बनाते हैं और उसका तबीयत का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही डॉक्टर लोग जो होते हैं वो भगवान के सदृश होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक ही बात बोले, स्वास्थ्य सेवा ही माधव सेवा, मानव सेवा करें, जीवन में अपने स्वास्थ्य को समृद्ध करें और भगवान से ये प्रार्थना करें जो भी महामारी हो, जो भी रोग आते हैं वो हमारे दुनिया से जल्द ही जल्द दूरी हो जाए। माई सेल्फ डॉक्टर एल के नायक, सीनियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आई हैव रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम कैपिटल हॉस्पिटल एंड जॉइंड इन दिस New hospital and from on behalf of this Trambakam Healthcare Hospital, we all the staffs along with myself have come to this rural area to deliver free health checkup and free medicine distribution to rural poor people and to give them valuable advice if they need it. Delang se Himanshu Mahapatra, Shikshawarta.in.